ध्यान दें क्लास ट्वेल्थ के बच्चे कि हम जो कल डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़े थे बट पूरा नहीं पढ़ सके थे, केवल फिगर ही बना था, तो आज हम इस स्ट्रक्चर को, इसके केमिकल नेचर को और इसका जो आणविक संरचना है उसे भी हम पढ़ेंगे। हम आज जो पढ़ रहे हैं वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है उसे हम पढ़ रहे हैं। तो आइए हम इस फिगर को देखते हैं और समझते हैं। देखिए जो दोनों स्टैंड के बीच की जो दूरी होती है वह टोटल 20 एंगस्ट्रॉम होती है और हाफ दूरी जो होती है वह 10 एंगस्ट्रॉम होता है। एक घुमाव से दूसरे घुमाव के बीच की दूरी पूरा 34 एंगस्ट्रॉम होता है तथा एक न्यूक्लियोटाइड पेयर से दूसरे न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। इन्होंने इसने ही बताया था तथा जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा विपरीत दिशा में गति करते हैं। एक यदि 3×5 में गति कर रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ 3× से ऊपर की तरफ 5× की तरफ गति करे। यही डीएनए का स्ट्रक्चर था जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इन्होंने यह बताया जो डीएनए की रीढ़ होती है या बैकबोन होता है वह सुगर फास्फेट से मिलकर बना होता है। सुगर एवं फास्फेट से मिलकर बना होता है। अगर हम डीएनए के रासायनिक संगठन की बात करें, तो जो डीएनए में रासायनिक संगठन होता है वह है हमारा सुगर होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है एवं फास्फोरिक अम्ल होता है जिससे हमारा डीएनए निर्माण होता है। डीएनए के रासायनिक संगठन में क्या है, हमारा नाइट्रोजन क्षार है, शर्करा है, ठीक। अब आइए हम बात कर लेते हैं जो रासायनिक संगठन है इसमें नाइट्रोजन क्षार क्या है, शर्करा क्या है, फास्फोरिक अम्ल। तो
तो आइए हम सल्फर आपके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद नाइट्रोजन छाल बताते हैं। तो देखिए जो डीएनए है, डीएनए में जो सरकरा होता है वह डी ऑक्सीराइबोज होता है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर होता है इसमें, डी ऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब ये है कि उसमें से एक ऑक्सीजन गायब हो जाता है, मतलब हट जाता है। अगर हम एक शुगर का स्ट्रक्चर बनाए पेंटोज शुगर तो होता ही है, बट उस पेंटोज शुगर में भी कुछ राइबोज शुगर तथा कुछ डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं। जो हमारा डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं। अगर हम एक राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिए जो हमारा शुगर का स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको डी ऑक्सीराइबोज शुगर बनाना चाहते हैं तो देखिए अगर इसके हम पोजीशन की बात करें तो नंबर वन पोजीशन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर एंड नंबर फाइव, ये हमारा जो पोजीशन है। इस पोजीशन की दूसरे पोजीशन से जो ऑक्सीजन होता है वह हट जाता है, ये ऑक्सीजन हट गया। अब यह हमारा हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो यही शुगर हमारे डीएनए में पाया जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं फास्फोरिक एसिड की, यानी फास्फोरिक अम्ल जो है वह किस अवस्था में रहता है। जो मिनरल फास्फोरस होता है वह फास्फोरिक अम्ल की स्थिति में पाया जाता है, और जो उसका स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस टाइप का होता है। फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, यह इस टाइप में होता है फास्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर। SP3O4 की स्थिति में होता है और यह हमारा फास्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम आते हैं नाइट्रोजन क्षार की तरफ, पढ़ते हैं। देखिए नाइट्रोजन क्षार या क्षार कहते हैं इसको, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये डीएनए में या पूरे न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा प्यूरीन क्षार, प्यूरीन क्षार, दूसरा होता है पिरिमिडीन क्षार। ठीक है,
प्यूरीन क्षार तथा पिरी मिरीन क्षार। जो प्यूरीन क्षारक है, प्यूरीन क्षारक के अंतर्गत एडेनिन तथा ग्वानिन आता है। एडेनिन तथा ग्वानिन। और जो पिरिमिडीन क्षारक है, इसमें साइटोसिन तथा थायमिन पाया जाता है। अगर हम पिरिमिडीन क्षारक की बात करें, जो प्यूरीन क्षारक होता है यह डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो रिंग होते हैं, एक बेंजीन रिंग होता है तथा दूसरा पायरोन रिंग होता है। अगर हम प्यूरीन स्केलेटन की संरचना बनाएं तो हमारा प्यूरीन स्केलेटन इस टाइप का है। अगर हमें प्यूरीन स्केलेटन बनाए, प्यूरीन स्केलेटन में ये हमारा है प्यूरीन स्केलेटन, जिसके 1, 3, 7, 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है तथा अन्य पोजीशन पे नाम के आधार पर एडेनिन या ग्वानिन इत्यादि है, तो उस आधार पर क्रियात्मक समूह वगैरह जुड़ा होता है। तो आइए हम प्यूरीन क्षारक में एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। जो हमारा एडेनिन है और ग्वानिन है, तो एडेनिन का जो केमिकल नेम होता है वह है 6 अमीनो एमिनो प्यूरीन। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे एक एडेनिन का, तो देखिए कैसे बनता है।
ठीक है, देखते जो एडेनिन का स्ट्रक्चर है, एडेनिन का स्ट्रक्चर ऐसे मिलता है, यही हमारा रासायनिक स्ट्रक्चर है एडेनिन का। और अगर हम इसका नंबरिंग करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसके 1, 3, 7, 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन है तथा 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है। और देखें सबकी अगर बॉन्डिंग देखें तो पूरी संलग्नता सबकी पूरी है। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं संलग्नता को दिखाने के लिए, और इधर ऐसे दिखा सकते हैं, यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये सारे एडेनिन जो है ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, एक है हमारा मेंडेनिन और दूसरा पायरोवाल। अब इसके बाद हमारा जो ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का भी स्ट्रक्चर सेम होता है, बट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। जो ग्वानिन का केमिकल नेम है वह 2-अमीनो 6-ऑक्सी-अमीनो-ब्यूटेन होता है। अगर हम इसको बनाएं तो बस थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा ग्वानिन के लिए, 6 नंबर पर ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पर एमीन ग्रुप, और हमारा ये बन गया ग्वानिन का स्ट्रक्चर। थोड़ा चेंजिंग है 6-ऑक्सी-2-अमीनो या 2-अमीनो-6-ऑक्सी-अमीनो या अमीन-प्यूरीन, ये किसका नाम है ग्वानिन का। ठीक, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम पिरिमिडिन क्षारक के बारे में पढ़ेंगे, ये कितने होते हैं, क्या स्ट्रक्चर क्या है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप इतना ध्यान